अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात, कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला और अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का अहले इस्लाम को ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कश्मीर से अपने घरों को वापस लौटने वाले गैर रियासती मजदूर रेलवे स्टेशनों जम्मू उधमपुर में बस स्टैंड पर लंबी कतारों में पाए गए। कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अमित शाह और वजीर अजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात, खौफजदा गैर रियासती मजदूरों की हिजरत के बारे में किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकात, मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, राहुल गांधी का इल्जाम। कश्मीर में नवे जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश, शहरी हलाकतों के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। ये अननोन गनमैन ये कौन है? सीबीएसई ने सीटीईटी 2021 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां शब खानी की बाबरकत मजलिस में शामिल हजारों मर्द व जन अकीदतमंदों ने पूरी रात हजरत मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पेश किया और मंगल की सुबह नमाज फजर के बाद ये सारे अकीदतमंद मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से फैज़याब हुए। नमाज फजर के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों लोग दरगाह हजरत बल पहुंचे थे और वो भी दीदार मोए मुकद्दस से फैज़याब हुए और बारगाह इलाही में सरबसजूद होकर अमन व आश्ती के लिए दुआएं मांगी। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मैं पुंछ से आया हूँ, वो यहाँ पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मीलाद है, तो इसके लिए दुनिया कोने कोने से लोग आते हैं। वो तो नबी पाक का ये मीलाद है जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और हमें भी ख्वाहिश थी कि हम अपने आका के मोए मुकद्दस का दीदार करें, तो हम भी काफ़ी जनता पुंछ से और बाकी इलाकों से जितने भी लोग आए यहाँ पर बड़ा लुत्फ उठाया और लेकिन बड़ा मज़ा आया। पता लगा कि यहाँ पर लोग ईमान वाले लोग हैं, यहाँ पर सब ईमान वाले लोग हैं और पता क्या नबी पाक के चाहने वाले हैं, नबी पाक के आशिक हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मे वातन काबस तरव असल हदायत नेक हदायत बेसुजन रूद कारबार मेनिस पात्रस। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये मुबारक मौका तमाम मजहब के लोगों के दरमियान इतिहाद का जज्बा पैदा करेगा और इतिहाद और फिरकावाराना हम आहंगी के रिश्ते को मजबूत करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पार्टी सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में कहा है कि खुदा करे ये मुबारक दिन जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वही अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने अहले इस्लाम को ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर हर एक इंसान के लिए मोहसिन बनने की कोशिश करनी होगी और हमें आपसी भाईचारे को किसी भी सूरत में कायम रखना चाहिए, जिसकी मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है।
वादी कश्मीर से अपने घरों की तरफ वापस जाने वाले सैकड़ों गैर रियासती मजदूर अपने अहल खाना के साथ जम्मू और श्रीनगर के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के टिकट काउंटरों के बाहर कतारों में पाए गए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों की वजह से वादी में मुकीम सैकड़ों गैर रियासती मजदूरों ने अपने घरों का रुख किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को वजीर आजम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें जम्मू व कश्मीर इंतजाम और मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के इकदाम के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर में जंगलों की टारगेट किलिंग की वजह से पैदा होने वाले खौफ के माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को वादी से खौफजदा गैर रियासती मजदूरों की हिजरत के बारे में भी आगाह किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकात से यह वाजिया है कि मोदी हुकूमत के पास कश्मीर के हवाले से कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है और यही वजह है कि वहां तशद्दुद कम होने के बजाय बढ़ रहा है, जिससे यह साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में सुकून और सलामती फराहम करने में मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कत्ल के मुसलसल वाकात को अफसोसनाक करार दिया है। शहरी हलाकतों के खिलाफ अपने दुख का इजहार करते हुए प्रेस कॉलोनी में पीपल्स नेशनल फ्रंट नामी एक समाजी तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि कश्मीर में अकलीती फिरका और गैर मकामी बाशिंदों को निशाना बनाकर कश्मीर में नवे की दहाई की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बहसियत सिविल सोसाइटी इन हलाकतों की मजम्मत करते हैं और आवाम से मुतालबा करते हैं कि वो भी सड़कों पर आकर अपना एहतजाज दर्ज करें। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। बंद करो को बदनाम कश्मीरियों को बदनाम और अब हम चाहते हैं कि आज जो हो रहा है ये सिर्फ कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो टूरिज्म है, यहाँ पर जो हमारा जो कारोबार चल रहा है, ये मुतासिर होगा और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ बाहर के जो लोग हैं उनको यहाँ कोई तकलीफ हो। हम चाहते हैं कि जो लोग पिछले सरकारों में रहे हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर साहब रहे हैं, कल किसी और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में है, उनको भी इस तहकीकात के दायरे में लाया जाना चाहिए। उनके रोल को भी चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को शक होता है, हो सकता है ये शक हो, मैं नहीं चाहता, अल्लाह करे कि वो लोग साफ पाक निकले, लेकिन शक के दायरे में है। सबको इसमें तहकीकात में शामिल किया जाना चाहिए, उनके रोल को भी चेक किया जाना चाहिए कि उनका रोल क्या रहा है। आपके हिसाब से यहाँ पर पिछले 30 सालों से यह होता आ रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को मरते हुए, बेगुनाहों को मरते हुए, सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स को मरते हुए। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ पॉलिटिक्स में रहे हैं, कभी उस पार्टी, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, उन बेगुनाहों को का खून जो किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें सियासी लीडरान का रोल भी चेक किया जाना चाहिए, उनको भी इस तहकीकात के दायरे में लाया जाना चाहिए। खाली किसी एक तरफ उंगली उठाने से शायद ये मसला हल नहीं होगा। ये कत्लेआम बंद करने के लिए अभी आवाजें सुनी हैं, तो बंद होना चाहिए और कोई और कत्ल ना हो। जो हो गया वो हो गया है, जो मर गया वो वापस आएगा नहीं, लेकिन कोई और गरीब ना कत्ल हो। और मैं कहता हूं कि अपने एडमिटेशन को भी कि इसका ख्याल रखें, हमारी कश्मीर को ये दाग लगने से बच जाए। वही मारूफ सियासी कारकुन और राजू गांधी फैन क्लब के पीरजादा मोहम्मद शेख भी उर्फ बबर शेर ने भी अकलीती तबके और गैर मकामी बाशिंदों की हलाकतों के खिलाफ अपने दुख का इजहार करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह किया है। तो आजकल किलिंग्स हो रही है, बार बार किलिंग्स हो रही है। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये अननोन गनमैन ये कौन है, कहाँ सोई है सरकार, ये क्यों नहीं उसको सामने लाती है, जो अननोन गनमैन है जो बार बार किलिंग्स कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है, चाहे बाहर का मर रहा है या कश्मीर का मर रहा है, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि इस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। मैं सरकार से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जल्द से जल्द इन अननोन गनमैन को पेश करो, हम देखेंगे ये कौन है जो हमारे सदियों से यहाँ जम्मू कश्मीर में भाईचारा था, ये साजिश चल रही है कि ये हमारा भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह बबर शेर ने वो कदम उठाया, इन शरपसंद इंसानों को इनको हम नंगा करेंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बबर शेर जिंदा है,
तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर टेंशन लेगा वो बबर शेर लेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। और साथ ही हमारा गृह मंत्री आ रहे हैं हमारे अमित शाह जी, हम उस पर उसको वेलकम करते हैं, वो आ रहे हैं तो ठीक है। मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री से, 5 अगस्त 2019 से जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कहाँ गए वो वादे? CBSE ने सेंट्रल टीचर एहलियत टेस्ट CTET के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 26 अक्टूबर से दोपहर 3:30 बजे तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अब मजीद खबरें जम्मू से। भाजपा के नेताओं ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन कच्ची छावनी ऑफिस में जम्मू जिले की बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह के 24 को जम्मू में रैली को लेकर हुई बैठक। 24 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू एक भव्य स्वागत ये कर रही है। उस स्वागत कार्यक्रम को हमने एक जलसे का रूप दिया है और भगवती नगर जो JDA का ग्राउंड है, उस JDA के ग्राउंड में एक भव्य रैली का आयोजन 24 तारीख को सुबह 10:30 बजे होने जा रहा है। उस रैली में हम सब लोग मिलकर अमित शाह जी का स्वागत करने वाले हैं। राजपूत वेलफेयर बोर्ड ने महाराजा हरि सिंह को लेकर जम्मू में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां महाराजाओं के विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। वैसे ही महाराजा हरि सिंह के इतिहास को कुछ लोग मिटाना चाहते थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो, चाहे वो नेहरू परिवार हो, उन लोगों ने मिल करके हमारे जम्मू कश्मीर की वो निशानी, वो धरोहर, वो संस्कृति, वो विरासत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री से उम्मीद करता हूं, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहादुर इंसान है और बहादुर ही किसी बहादुर की ताकत, बहादुर का सम्मान कर सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर कम से कम एक राजकीय अवकाश घोषित किया जाए और संभव हो तो महाराजा हरि सिंह का त्याग कहीं कम नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और कहा कि कश्मीर में हो रही निर्दोष लोगों की हत्या निंदनीय है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने 24 तारीख को भारत पाकिस्तान मैच करवाने की, जो एक वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें वो क्रिकेट मैच जो है भारत पाकिस्तान का होने वाला है, हम उसके ऊपर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद समाप्त नहीं करता, जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उससे किसी प्रकार का संबंध जो है भारत नहीं रखेगा। भाजपा के सीनियर नेताओं ने आज भगवती नगर में 6 रथों को हरी झंडी दिखाई। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का यह शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।